अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हियर वी आर डिस्कसिंग कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक्स। मीन्स ये कैपेसिटर्स के साथ अगर हम डाइलेक्ट्रिक को अटैच करें तो क्या होगा, क्या कुछ इंक्रीमेंट होगा, क्या असर पड़ेगा कैपेसिटेंस पे। लेट्स सी इन दिस लेक्चर। इससे पहले जो कुछ हमने पढ़ा, इससे पहले हमने कैपेसिटर पढ़ा है क्या होता है, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या होती है, उसकी यूजेस क्या है, डिपेंड्स किन किन फैक्टर्स पे करता है। फिर हमने उसकी टाइप्स के थ्रू, थ्री डिफरेंट टाइप्स के थ्रू हमने उसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद हमने एनर्जी कैसे स्टोर होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, वो सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक, एंड फाइनली फिर हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ विद डाइलेक्ट्रिक्स। Now we are discussing about capacitors or dielectrics. यानी अगर capacitors के साथ dielectric medium रखते हैं तो क्या होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक हमने जो है पैरल प्लेट capacitors पढ़ा था। पैरल capacitors में जो हमने capacitance निकाली थी, वो capacitance हमें एक ऐसे capacitor के हम calculate कर रहे थे जो कि जिसके बीच में between the plates, यानी यहाँ पर between the plates जो कि आपको plates नजर आ रही है, ये भी एक पैरल प्लेट capacitors है। ये conductive plate है, ये positive plates हैं, ये नेगेटिव प्लेट्स है जी। अब अगर इसके दरमियान कुछ भी नहीं रखा, इस वक्त तो इसके दरमियान डायलैक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है। अब ये डायलैक्ट्रिक मीडियम कोई भी हो सकता है, इन्होंने इसको डायलैक्ट्रिक मीडियम कहा। ठीक है, अगर ये कोई भी मटेरियल नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये वैक्यूम है और ये बिहेव करेगा लाइक अ स्पेस, यानी यहाँ पर एयर मौजूद है। अब हम आगे चलते हैं। ये इसका जो है सर्किट का सिंबल है। देन ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, क्यू पॉजिटिव एंड क्यू नेगेटिव, और ये वोल्टेज अप्लाई कर किया हुआ है, और ये कंडक्टिव पैरेलल प्लेट्स। इनको कंडक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है, और जब करंट गुजरेगा इसमें से तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, तो पोटेंशियल अप्लाई करें। इट वाज ऑब्जर्व बाय फैराडे दैट वी मेक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बनाते हैं, देन इफ देयर इज एयर बिटवीन द टू फ्रीज बिटवीन द टू और फ्री स्पेस सर्टेन कैपेसिटेंस सी नॉट। यानी अगर आपके पास एक कैपेसिटर रखा हुआ है, यानी कि लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, अगर वहां पर आपके पास मीडियम कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ एयर है उस, यानी बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फ्लैट्स के दरमियान आपके पास सिर्फ एयर मौजूद है या कोई फ्री स्पेस है, मीन्स वैक्यूम है, तो हम उस कैपेसिटेंस को सी नॉट कहते हैं। लेट अस से सी नॉट इफ वी पुट एन इंसुलेटर। अब हमने जो है इसको सी नॉट कह दिया। अब क्या किया, अब अगर फॉर एग्जांपल हमने इनके दरमियान एक इंसुलेटर रख दी। इंसुलेटर क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो कि हीट कंडक्ट नहीं कर सकता, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता। इफ यू पुट एन इंसुलेटर बिटवीन दीज एंड वी फाइंड इट्स कैपेसिटेंस हैज इंक्रीज्ड, अगर हम इस दो जो है कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स हैं इनके दरमियान अगर हम कोई मटेरियल लग दें, यानी फॉर एग्जांपल मटेरियल है उनका इंसुलेटर। हमारे पास कितनी टाइप्स के जो है मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते। एक कंडक्टर्स होता है, एक मेटल, एक इंसुलेटर होता है, एक सेमी कंडक्टर्स होता है। यानी हम दूसरे लफ्जों में इनको एक अलग तरीके का नाम दे सकते हैं। कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है उसमें आपके पास जो है वो कंडक्टर ही इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट भी कर सकते हैं और कुछ मायनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। और इंसुलेटर जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं सकते। अब हमने क्या किया, हम इन दो मेटल प्लेट के दरमियान एक ऐसा मटेरियल लग दिया जो कि इंसुलेटर है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा। लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। हियर वी पुट एन इंसुलेटर प्लेट। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक मटेरियल लग दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसको हम नाम दे रहे हैं डाइलेक्ट्रिक का, देन इट्स कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हमने क्या किया, जब हमने बिटवीन द प्लेट्स यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया तो होगा क्या, तो उससे होगा ये कि इसकी जो है कैपेसिटेंस आपके पास चेंज हो जाएगी। इसकी कैपेसिटेंस को आप कहेंगे सी एम। सी एम स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस ऑफ दैट मटेरियल। अब वो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक तो एक मटेरियल है, वो मटेरियल्स डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, किसी भी दूसरे टाइप्स के मटेरियल्स के बने हो सकते हैं। हमने उसको सी एम का नाम दिया। सी एम का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
वी ऑलवेज फाइंड द सी एम इज ऑलवेज लार्जर देन वन. हम जब भी मालूम करने जाते हैं कि अगर हम एक हमने दो मेटल प्लेट्स ली, पैराप्लेट कैपेसिटर लिया, उसके दरमियान हमने एक डायलैक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, तो क्या होगा? हम हमेशा देखेंगे कि वहाँ पर हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी उस डायलैक्ट्रिक मीडियम के ऐड करने से, बनस्बत उस कैपेसिटेंस के जो कि फ्री स्पेस में हमें मिल रही होगी, उससे ज्यादा होगी हमारे डायलैक्ट्रिक मीडियम मटीरियल की capacitance. That's why we put a material than the capacitance. इसलिए हम क्या करेंगे, एक material लाजमी add करेंगे अगर हमें check करने की capacitance पे क्या effect आ रहा है, तो हम material को बीच में insulate कर देंगे. We wanted to find out the reason for it. अब हम जानना चाहते हैं क्या ऐसा वाकई होता है, क्या इस पे कोई एंड द रीजन इज दिस, डायलैक्ट्रिक हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसे क्यों हो रहा होता है? इसलिए क्योंकि आपके पास डायलैक्ट्रिक जो है, डायलैक्ट्रिक की खास किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पोलराइजेशन. व्हेन एवर इट्स प्लेस बिटवीन प्लस एंड माइनस, जब आपने एक डायलैक्ट्रिक मीडियम को यहाँ पर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया बिटवीन प्लस एंड माइनस चार्जेस, तो होगा कि आपके पास there is a polarization of the dielectric of this dielectric. अब क्या होगी कि उस dielectric medium के वहाँ पर दो plates के दरमियान insert करने से वहाँ पर polarization हो जाएगी उन charges की वजह से. Because of that polarization क्या होगा कि अब क्या होगा कि वो आपने medium वहाँ पर add कर दिया, तो electric field decrease हो जाएगी. क्यों ऐसा होगा? Because जब हम कोई मीडियम हमारे पास नहीं है, हमारे पास मीडियम बीच में सिर्फ वैक्यूम है, मींस फ्री स्पेस है, एयर मौजूद है. दो मेटल प्लेट्स रखी थी हमने, उसको पोटेंशियल डिफरेंस यानी हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, तो क्या हुआ कि चार्जेस जाके मेटल प्लेट्स में स्टोर हो गए. जो मेटल जो प्लेट्स बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से क्या कनेक्टेड थी, वहाँ पर जाके उन्हीं के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे वो चार्जेस जाके स्टोर हुए. पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव प्लेट वाले पे नेगेटिव चार्जेस. देन फिर क्या हुआ कि वहाँ पर चार्जेस की अट्रैक्शन बढ़ी और वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई. वो इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस बहुत अच्छी थी. देन वहाँ पर क्या हुआ कि कैपेसिटेंस तो वहाँ पर थी, लेकिन इलेक्ट्रिक बहुत जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग थी. लेकिन जब वहाँ पर हमने एक इंसुलेटिंग मटीरियल लग दिया, यानी वहाँ पर एक डायलैक्ट्रिक मीडियम लग दिया, वो डिफरेंट टाइप्स मटीरियल्स के बने हुए हो सकते हैं, डायलैक्ट्रिक तो एक सिर्फ एक नाम है. अब वो उसका नेचर क्या है डायलैक्ट्रिक मटेरियल का, उसका नेचर है इंसुलेटर है वो, लाइक मतलब आई हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता. और अगर मैं उस जहाँ पर उस स्पेस पे उस जगह पे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से, अब मैं वहाँ जाके एक डायलैक्ट्रिक मीडियम रख दूँ, तो होगा क्या कि वो इलेक्ट्रिसिटी वीक पड़ जाएगी, वो इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जो ज़्यादा थी वो कम हो जाएगी. लेकिन एक फ़ायदा होगा, चार्जेज स्टोर रहेंगे. क्यों? क्योंकि उससे पहले चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस हमें इतनी नहीं मिल रही थी. लेकिन उस डायलैक्ट्रिक मीडियम के रखने से क्या होगा कि वहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन कमजोर पड़ने लगेगी, फोर्स कमजोर पड़ने लगेगी बिटवीन द चार्जेस, और तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके पास चार्जेस स्टोर रहेंगे और कैपेसिटेंस क्या होगी वो बढ़ जाएगी. तो अब कैपेसिटेंस डायलैक्ट्रिक मीडियम के ऐड करने से बढ़ी और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई. इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपेसिटेंस से क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है तो लाजमी बात है कि पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल पे भी उससे फर्क पड़ेगा. क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है, जो कि हमें बताती है कि क्यू बराबर है सी इंटू वी, यानी क्यू इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज के प्रोडक्ट के. अगर वहां से अगर आप रिलेशन फाइंड करें कि वोल्टेज और कैपेसिटेंस के दरमियान का क्या रिलेशन बनता है, तो उससे आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि अगर मैं कैपेसिटेंस को बढ़ा रही हूँ, मेरे पास कैपेसिटेंस बढ़ रही है, तो पोटेंशियल जो है मेरे पास कम हो जाएगा. और इसी तरीके से अगर मेरे पास कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि आपस में इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता, इनवर्स रिलेशन बनता है, जिसकी वजह से ऐसा हमारे पास होगा. और दूसरी बात, डायलैक्ट्रिक मीडियम की एक और खासियत है कि वहाँ पर पोलराइजेशन इफेक्ट होगा. उस पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी और हमारे पास रिजल्ट में जो कैपेसिटेंस होगी, पहले जो कैपेसिटेंस थी विदाउट एनी मीडियम पैराप्लेट कैपेसिटर सी नॉट, जिसको हमने नाम दिया था, हमारे पास कैपेसिटेंस किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज.
और क्यू आपके पास ये है, वी आपके पास क्या है, ई नॉट डी. ई नॉट क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब आपके पास पैरल प्लेट कैपेसिटर्स के दरमियान चार्जेस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वजह से, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई विदाउट एनी मीडियम, यानी वहां पर फ्री स्पेस थी. इसलिए हमने उसकी कैपेसिटर को सी नॉट का नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया इसको हमने नाम दे दिया ई नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी विदाउट मींस विदाउट एनी मटेरियल, विदाउट एनी मीडियम. इलेक्ट्रिक स्लैब दे है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो है वहां पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वहां पर फ्री स्पेस से डेवलप हुई है, मानी वैक्यूम. तो हमने इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया. वी बराबर होता है वोल्टेज बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी. क्या है आपके पास, सेपरेशन है बिटवीन द टू प्लेट्स. अगर हम ऊपर की डायग्राम में जाएं, यानी इनके दरमियान का जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो क्या है आपके पास, डी है. Now, if the electric field is only in the air, free space, electric field कब exist कर रही है, जब आपके पास free space है. और उस electric field को हम क्या नाम दे रहे हैं, E dot. But we want to calculate the capacitance with material inside the plate. But हम तो जानना चाह रहे हैं हमारा क्या मकसद है, हम तो क्या चीज को understand करना चाह रहे हैं. हम understand करना चाह रहे हैं कि हम अगर उस पैरल प्लेट के दरमियान अगर एक materials अंदर रख दें plates के अंदर, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, कैपेसिटेंस क्या कैलकुलेट होगी, असल में उसकी वजह हम जानना चाह रहे हैं. इक्वेशन वन जो कि हम पैरल प्लेट कैपेसिटर को लेकर चले थे विदाउट एनी मीडिया, अब मैं उसी इक्वेशन को लेकर चलूंगी, लेकिन किसके लिए मैं लेकर चलूंगी उसको, फॉर मटीरियल, फॉर एनी मटीरियल, कोई भी मटीरियल हो सकता है. उसको नाम हमने दे दिया कि वो डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, ठीक है. CM, C means capacitance of that material. Q आपके पास चार्ज है, VM क्या है, वो वोल्टेज है उस मटेरियल का. Q, VM, जाहिर है अब VM वोल्टेज उस मटेरियल का अपना है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपनी होगी. तो उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डिक्रीज हो रही है उस मटेरियल के ऐड होने से, तो उसको हमने अलग ना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट मटीरियल. और D आपके पास क्या है, D सेपरेशन ऑफ द between the plates. And we have found whenever we place a dielectric material, the electric field is always decreased. अब हमने क्या किया कि हमने वही देखा कि हमने वही ये चीज हमने देख ली कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड करते हैं तो क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है. ये हमें और कैसे पता चला, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, जो कि किसके बराबर है, कैपेसिटेंस के बराबर है, और कैपेसिटेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड से इनवर्स रिलेशन है. इसी तरीके से आप यहाँ पर एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैपेसिटेंस का पोटेंशियल से भी इनवर्स रिलेशन, जिसकी वजह से क्या मतलब है इस बात का, ये बात हमें क्लैरिफाई कर रही है कि अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम हम रखेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, वो डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी. Now, if the electric field is decreased, what will be the effect? अब बात ये है कि the electric medium रख दिया, capacitance increased हो गई, लेकिन electric field और electric potential तो decrease हो गया. लेकिन अगर ये decrease हुआ, electric field decrease हुई, potential decrease हुआ, तो effect किन किन चीजों पे हुआ, क्या क्या factors इनमें involved हुए? Now we will see. जैसे कि मैंने बात की आपसे voltage की, VM will decrease. If it decreases, then what happened with CM? अगर VM यानी वोल्टेज उस मटेरियल का अगर डिक्रीज हो रहा है, यानी if it decreases, अगर डिक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो रहा है, तो जो कैपेसिटेंस है उस मटेरियल की, उस पर क्या असर होगा? The capacitance of that material increase. Therefore, VM decrease. VM will decrease and the capacitance increases. उसने ये बात कही कि आपने अगर voltage of that material decrease हो जाए, यानी decrease हुई, तो capacitance जो कि उस material की है, उस पे क्या असर पड़ेगा? वो भी हो सकता है increase हो जाए. और अगर वो increase हो गई, तो इसका मतलब है voltage वहाँ पर उस material का decrease हो गया. So with the tricks, with the introduction of a dielectric material, that the capacitance increases. So, इसका मतलब C
सीधा सा मतलब है कि डायलेटेड मटेरियल को वहां पर इंट्रोड्यूस कराने का क्या मकसद है, वहां पर वो उसको इंसर्ट करने का क्या मकसद है कि कैपेसिटेंस को हम बढ़ा दें. There is a fixed ratio for different materials, and this material, whenever we put the capacitance, will increase by the ratio. There is a fixed ratio. यानी अब ये कह रहा है कि एक एक fixed ratio है. लेकिन ऐसा वो क्यों कह रहा है? अब देखते हैं. For different materials, and thus the material, whenever we put the capacitance, will increase by the ratio. ये क्या बात है? आखिर ये कुछ समझ में नहीं आ रही. कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल से, अगर एक मटेरियल हम इंसर्ट करें तो उसका एक फिक्स रेशियो बनता है दूसरे मटेरियल से, और अगर हम ये फिक्स रेशियो को हम रखें तो उससे क्या होगा कि उस रेशियो को फिक्स कर देने से कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी. अब वो रेशियो है क्या, देख लेते हैं. ये रेशियो कैपेसिटेंस ऑफ, एक मिनट मैं इसको जरा बड़ा कर दूं आप लोगों के लिए. ये इक्वेशन हमें बता रही है कैपेसिटेंस ऑफ दैट मटेरियल टू द रेशियो कैपेसिटेंस ऑफ द फ्री स्पेस इज इक्वल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल. यानी ये जो रेशियो है, असल में ये रेशियो क्या है आपका, उस कैपेसिटेंस का, उस मटेरियल की कैपेसिटेंस का, और किससे, उस कैपेसिटेंस से जो कि फ्री स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, उन दोनों के दरमियान का रेशियो कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है. अब जो आपने मटेरियल लिया है, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कोई भी मेटल हो, चाहे वो मिका हो या टर्पेंटाइन हो, पोर्सिलेन हो, तो पोर्सिलेन हो, तो कोई भी जो है मटीरियल आप रखेंगे तो उसका जो रेशियो है वो बराबर होगा किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के सिंबल, के कैपिटल. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, के सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं. के बराबर है कैपेसिटेंस विद दैट मटेरियल टू द कैपेसिटेंस विद द फ्री स्पेस. मींस द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो, व्हाट्स द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस विद द मटेरियल टू द कैपेसिटेंस of the with the free space. इसको हमने equation number 3 का नाम दे दिया. अब देखिए इस equation से भी हमें एक दूसरी बात समझ में आ रही है कि जो dielectric constant है असल में इसकी कुछ ना कुछ value हो सकती है. Whole number is just a whole number. तो ये जो है इसका direct relation किससे बन रहा है, इस cm से बन रहा है. अगर इसका मतलब है cm बढ़ेगा, किसकी वजह से बढ़ेगा, dielectric constant की वजह से बढ़ेगा. इसका मतलब है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा उस मटेरियल की क्या होगी, उस मटेरियल के रखने से उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा, और उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड. जितनी की ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उतने ही टाइम्स जो है उसके ही इनवर्स टाइम्स, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लें, अगर 6 टाइम्स अगर आपके पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, और फर्स्ट करें आपके पास उस रेशियो की वजह से कैपेसिटेंस जो है 6 टाइम बढ़ जाती है, तो होगा क्या कि 1/6 टाइम, यानी रेसिप्रोकल ऑफ दैट कैपेसिटेंस ऑफ द मटेरियल, गिवन मटेरियल डिक्रीज हो जाएगी उतने टाइम की इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट मटेरियल. वही चीज को हमने डिफाइन कर दिया, दैट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस विद मटेरियल टू द कैपेसिटेंस विद एयर. वी फाइंड दैट के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. और ये बात हमें सिंपल समझ में आती है कि के हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगा, क्योंकि वो क्या एक होल नंबर है, तो वो 1 से ग्रेटर होगा. व्हाई? बिकॉज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ऑलवेज डिक्रीज, सो इट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वो ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऑलवेज डिक्रीज हो रही होगी. Now with two dielectric constant, the capacitance with the material between the plates is, अगर हम दो dielectric constant ले लें तो क्या जो है आपके पास जो है material की capacitance होगी, Cm is equals to Kc naught. Cm आपके पास क्या है, Cm असल में capacitance है उस material की. ये क्या है आपके पास dielectric constant है, जो किसी material का भी हो सकता है, वही constant value, fixed value. C naught क्या है, ये आपके पास capacitance है उस फ्री स्पेस की, इसलिए हम इसको सी नॉट से. द अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसी इक्वेशन को, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है,
इसी क्वेश्चन को हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमने बात की थी कि हमारे पास जो है जो इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर टू हमें क्या बता रही है, इक्वेशन नंबर टू और वन हमें बता रही है कि कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्स रिलेशन है। तो इस वजह से जो इक्वेशन है जहां पर आपके पास सी एम है आप देखें वहां पर ई नॉट है इजिकल्स टू के इन टू ई एम। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें ई एम को अगर मैं यहाँ ले जाऊं और दो इक्वेशन को अगर कंपेयर करके लिखूंगा मैं ये मैं सही से देख सकती हूँ अच्छे तरीके से मुझे बात समझ में आ सकती है कि मेरे पास जो कैपेसिटेंस है ऑफ दैट मटेरियल इज ऑलवेज इंक्रीजेस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू एंड दे हैव इनवर्स रिलेशन। और इसी क्वेश्चन को इन्होंने सेटिंग कर दिया है ई एम यहाँ कैसे डायरेक्टर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ का डिवाइड हो गया है इफ ई डिक्रीजेस तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी ये बन जाएगा। अगर आप देखें इस रेशो को देखें और अगर इस रेशो को देखें यानी क्वेश्चन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर को चेक करें तो ये बात देखें आपके सी एम जो है ऊपर लिखा है और यहाँ पर जो ई एम है वो नीचे रेसिप्रोकल में मौजूद है। तो अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को भी कंपेयर करूँ तो मुझे ये बात बिल्कुल कंफर्म हो रही है क्वेश्चन नंबर थ्री से यहाँ के मेरे पास जो सी एम है कैपेसिटेंस ऑफ दैट मटेरियल्स इज ऑलवेज डिक्रीजेस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट मटेरियल डिक्रीज। और यानी इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे इट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस विद मटेरियल टू द कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस। और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस विद फ्री स्पेस टू द it is the ratio of the electric field with free space to the electric field with material. This is, and you can see that electric constants basically in terms of electric field, it is the ratio of the electric field with free space to the electric field with material. Whenever we put up materials, this reduces to EM. अगर हम जैसे ही वहां पर क्या करेंगे प्लेट पैरल प्लेट के दरमियान हमने मटेरियल रख दिया कोई भी डायलेक्ट्रिक मीडियम में मटेरियल रख दिया तो क्या होगा आपके पास उस मटेरियल के रखने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई क्यों, क्योंकि वो एक डायलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो एक इंसुलेटर मटेरियल है जिसकी वजह से वहां पर जो अट्रैक्शन होगी वो कमजोर पड़ने लगेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने का इसका सबब बनेगी और एक और वजह होगी पोलराइजेशन। EM इज इक्वल टू K तो क्या होगा कि EM रिड्यूस हो जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा K के। नाउ वी अप्लाइड हियर इन इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू हमें बता रही थी कि आपके पास इक्वेशन नंबर टू हमें बताई कि हमने फिर क्या किया कि E नॉट K यानी कहने का मतलब है जब ये इक्वेशन रिड्यूस होगी तो K को हम यहाँ ले आए EM को हम यहाँ ले आए तो इक्वेशन बेसिकली बन के आ रही होगी E नॉट अपॉन K इज इक्वल्स टू EM यानी E नॉट क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड विद फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विद मटेरियल। कांस्टेंट है कि कांस्टेंट है देन क्या होगा कि आपके पास CM जो कि आप ये पुट कर रहे हैं उससे क्या होगा जब आप ये फैक्टर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो वहां पर होगा क्या कि CM इज ऑलवेज ग्रेटर देन C नॉट and capacitance of the material is always greater than capacitance of the free space. So we remember, so हमें ये याद रखना चाहिए here whenever we put the dielectric material, यानी कब हमें याद रखेंगे कि जब जैसे भी हम कोई भी dielectric medium रखेंगे capacitance जो है capacity is always increases because this reduces electric field. क्योंकि होगा क्या कि जैसे ही आपने वहाँ पर क्या रखा है आपने वहाँ पर रखा है
हमने ये बात यहाँ कही कि कैपेसिटेंस ऑफ दैट मटेरियल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ द फ्री स्पेस. सो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड करेंगे कैपेसिटेंस पे लाजमी असर पड़ेगा. क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने बात की, इंसुलेटर है तो वहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन रुक जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई तो उसने पोटेंशियल को रिड्यूस किया, और जब पोटेंशियल रिड्यूस हो गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स है तो वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड दैट वाकई ऐसा एग्जिस्ट होता है कि नहीं. अब यहाँ पर एक सवाल आता है हमारे जहन में, हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एक होता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. दोनों पे आपके पास डायलेक्ट्रिक वर्ड्स यूज हुए हैं बट दे हैव टू डिफरेंट थिंग्स, दे हैव नॉट सेम थिंग, दे आर डिफरेंट थिंग्स. सो वी हैव अ कंफ्यूजन अबाउट इट. Now we are for, and now we want to study that what they are, why they are different, and it is really they are different or not. We should the confusion ki is how many times the capacitance will increase. Agar k ki wajah se kitne times jo capacitance hamari badh sakti hai. And we have found that dielectric constant k is equals to epsilon r. What is epsilon r? Epsilon r is the permittivity of the relative permittivity of that material and it is also fixed. yani kehne ka matlab hai ki aapke paas jo constant k hota hai wo equal hota hai epsilon r ke. epsilon r ke aapke paas kya hai, relative permittivity hai. k is equals to epsilon r is equals to the, ye kiske barabar hota hai, it is the ratio between the permittivity of the that medium permittivity of that medium and divided by the permittivity of the free space and is also equals to the capacitance. जाहिर है आपके पास k जो है किन किन चीजों के इक्वल आया है, k आपके पास इक्वल आया है epsilon r. What is epsilon r? It is the relative permittivity and epsilon r भी आपके पास इक्वल होता है em epsilon m and divided by epsilon naught. और ये दोनों चीजें असल में है क्या, उसका ताल्लुक बिल्कुल उसी तरीके से है हम जो ऊपर पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन ऊपर हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंट की. तो उसका मतलब है कि जब k कॉन्स्टेंट है तो उस जो मटेरियल की हम बात कर रहे हैं उसका जो एप्सिलॉन आर है वो भी कॉन्स्टेंट होगा. और इसका अगर हम रेशियो ले लें एप्सिलॉन नॉट से तो क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर की, जो असल में रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम की यानी उस मटीरियल की. और ये एप्सिलॉन आर असल में एक और एक चीज के इक्वल होता है इसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जैसे कि हम जानते हैं वो रेशियो है बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ द ग्रेन मटेरियल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द फ्री स्पेस. और ये हमने लिख दिया है कि एप्सिलॉन क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, और के डायलेक्ट्रिक. और इफ यूजिंग इन कूलम्स लॉ, अगर हम कूलम्स लॉ यूज कर रहे हैं तो वहां पर फोर्स पे क्या इफेक्ट आ सकता है. अब आप ये देखें एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू के. अब यहाँ देखें फोर्स डिक्रीज हुई है. मैंने आपसे यही बात की ना कि जब हमने डायलेक्ट्रिक मीडियम रखा तो वहां पर म्यूचुअल अट्रैक्शन कमजोर पड़ने लगी. अब म्यूचुअल अट्रैक्शन के कमजोर पड़ने से होगा क्या, फोर्स डिक्रीज हो गई. तो फोर्स के डिक्रीज होने से इसका मतलब है कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का और फोर्स का ऑफ दैट मटीरियल इनवर्स रिलेशन है. इसी तरीके से इसका मतलब है कि आपके पास जो उस डायलेक्ट्रिक मीडियम आपने जब रखा तो आपके पास उस मटीरियल की कैपेसिटेंस जो बढ़ी है उसका रिलेशन उस मटेरियल के फोर्स के रखने से क्या होगा, उससे भी इन्वर्स बनेगा. क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम हुई, म्यूचुअल अट्रैक्शन की कम होने से फोर्स डिक्रीज हो जाएगी. तो उसका मतलब है तीन फैक्टर्स हमारे पास आए, मटेरियल ऐड किया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई. कैपेसिटेंस इंक्रीज के होने से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई. क्यों? क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन रुक गई, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई. इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई, पोलराइजेशन वहां पर मौजूद थी. और दूसरी चीज वहां पर आपके पास पोटेंशियल भी डिक्रीज हुआ. K is equals to dielectric constant will how many times the force will change. K आपके पास क्या है, dielectric constant से. और इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा कितना परसेंट, कितना ज्यादा, कितने टाइम्स हमारी जो फोर्स है उस डायलेक्ट्रिक मटीरियल के रखने से कम हुई है, कितनी चेंज आया उसमें, हम ये चेक कर सकते हैं. क्योंकि ये क्वेश्चन हमें यही बता रही है, एफ नॉट यानी एफ नॉट फोर्स, यानी ये वो फोर्स है जब आपके पास फ्री स्पेस होगा, और ये वो फोर्स है जब आपके पास आपने डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया वहां पर, इज इक्वल्स टू के.
ठीक है, यानी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी, एंड दे आर ऑल्सो इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ दैट मटीरियल टू द रेशियो ऑफ द फ्री परमिटिविटी ऑफ दैट ऑफ द गिवन फ्री स्पेस, एंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू, यानी के आपके पास और के आपके पास इक्वल है दोनों फोर्सेस के रेसिप्रोकल के, और रिलेटिव और उसकी परमिटिविटी उन मटीरियल्स के रेशियो के और कैपेसिटेंस के उन दोनों मटीरियल्स के. ऑल्सो हम जैसे कि जानते हैं, हमने क्वेश्चन के ऊपर पढ़ा है कि ई नॉट अपॉन ई एम इज इक्वल्स टू के, यानी ई नॉट और ई एम असल में किसके बराबर है, के के बराबर है. ये जो इक्वेशन है ये इन टर्म्स ऑफ आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो इक्वेशन है वो डिफाइन कर रही है आपके पास डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द with the free space to the ratio of that material or with the given material. And यहाँ पर जो ये चीजें दिखाई हैं, ये चीजें असल में permittivity को बता रही हैं. और ये जो चीज है, ये चीज हमें equation को बता रही है. मैं यहाँ पर add कर देती हूँ. I'm adding here. जो कि मैं ऊपर डिफाइन ऑलरेडी कर चुकी हूँ. As you have seen clearly that dielectrics in terms of, यहाँ पर हमने dielectric constant को दिखाया है in terms of electric field, यानी ये जो आपके पास part है, ये वाला जो part है, ये वाला हिस्सा असल में define कर रहा है हमारे पास electric field को, और ये वाला हिस्सा जो define कर रहा है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास permittivity है, ये relative permittivity है उस material की, इसका ratio बराबर होता है permittivity of the given material to the permittivity of the free space is also equals to the dielectric constant and relative permittivity. Dielectric constant is always equals to the ratio between the force of free space to the ratio of the with the given material. And yani k ko hum in terms of define kar sakte hain permittivity, in terms of capacitance, in terms of force, and in terms of electric field. Lekin ek baat hume clearly nazar aa rahi hai ki k ka jo hai परमिटिविटी से डायरेक्ट रिलेशन है, कैपेसिटेंस से डायरेक्ट रिलेशन है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मींस, लेकिन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फोर्स से और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है और फोर्स का जो रेशियो है उससे इनवर्स रिलेशन है. क्योंकि वहां पर अगर आप देखें कि मटीरियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मटीरियल की जो फोर्स है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनवर्स रिलेशन हमें दिखा रही है. ये देखें, ये इनवर्स रिलेशन शो कर रही है और यहाँ भी इनवर्स रिलेशन शो, जबकि इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो के का परमिटिविटी की उस मटेरियल से डायरेक्ट रिलेशन है, इसी तरीके से कैपेसिटेंस की भी उस मटेरियल से डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का. अब डायलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ क्या होती है, व्हेन अ कंडक्टर हैज अ ब्रेकडाउन ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड. अब आपने क्या किया, आपने नॉन कंडक्टर वहां पर मौजूद है और वहां पर ब्रेक डाउन आ गया. यहाँ तो यहाँ का कहने का मतलब है कि अचानक से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो होगा क्या, देन द इंसुलेटर बिकम अ कंडक्टर. यानी हुआ क्या, आपने एक ऑलरेडी वहां पर आपने एक इंसुलेटर ऐड किया हुआ है, मींस आपने वहां पर डायलेक्ट्रिक मीडियम बढ़ गया, लेकिन वहां पर एक ब्रेक थ्रू हो जाए, वहां पर एक ब्रेक डाउन आ जाए, और अचानक से किस वजह से आए कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या होगा कि जो वहां पर जो आपने बैक कंडक्टर रखा हुआ वो अब क्या होगा, एक्ट करेगा लाइक अ कंडक्टर. और हम क्या कहेंगे, जाहिर है उसकी वहां पर जो ब्रेक थ्रू आया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई और वो इंसुलेटर अब एक्ट कर रहा है लाइक अ कंडक्टर. तो जो उसकी उस कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहेंगे, की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. व्हाई, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग वैरी फील्ड. और उसमें क्या आया है, ब्रेक थ्रू आया है आपके पास, और वो क्या बन गई, आपके पास कंडक्टर बन गई.
स्ट्रेंथ मीन्स अप टू दैट फील इट विल नॉट ब्रेक दैट इज स्ट्रेंथ. यानी अब वो कह रहा है कि आपके पास स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर ब्रेक ना आए, और वो उसकी असल में बेसिकली क्या है, नहीं वहाँ पर ब्रेक ना आए, वो टूटे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहे. यानी वो जो इंसुलेटर हमारे पास कंडक्टर बना था, यानी वो बिहेव कर रहा है एज अ कंडक्टर, और बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंक्रीजिंग स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, सो अब वो उसमें कोई ब्रेक ना आए, उसकी स्ट्रेंथ कायम रहे, तो उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. Now we will do what we will make a letter. अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब हम ये चीजों को थोड़ा सा चेक करेंगे. अब हमने क्या किया, अब हमने एक स्मॉल चार्ज, लिटिल चार्ज बनाया, जो कि हमें क्या बताएगा कि what is the dielectric constant of free material. यानी हम अब उस चार्ज के थ्रू, हमने जो चार्ज बनाया उससे हम क्या करेंगे, एक हम डिफरेंट मटीरियल्स के dielectric constant ले लेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या असल में हमें बता रहा है वो चीज़, और dielectric strength हमें उनके दरमियान क्या होगी. क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की, और ये इक्वेशन जो हमें है, सी नॉट का सिंबल हमें क्या बता रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ द फ्री स्पेस, यानी वहां पर अब कोई मटेरियल नहीं है बिटवीन द प्लेट्स, इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय डी. Now there is a material between plates that will be the change. अब आपने क्या किया, for example, ऊपर जो है आपके पास जो है वो जो question थी C not is equals to epsilon not A upon D, वो parallel plate capacitor की तो capacitance C, लेकिन वहां पर उस वक्त parallel plate capacitors के दरमियान वहां पर कोई material नहीं था, वहां पर फ्री स्पेस थी जो कि लाइक अ वैक्यूम ऐड कर रही थी. लेकिन अब हमने अगर वहां पर अब मटेरियल को चेंज कर दिया, बिटवीन द प्लेट्स हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो उसकी वजह से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, सी एन इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. इक्वेशन अगर आप देखें, इक्वेशन हमें एक चीज बता रही है, क्या बता रही है, सी एन तो यही था, के यहाँ था, सी नॉट यहाँ था. सी नॉट को अगर मैं के से जाके यहाँ लिख दूं तो ये इससे कैसे क्या होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा. तो आपके पास जो इक्वेशन थी, के मैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ आपको लिख के दिखाती हूँ, ये बेसिकली असल में है क्या, सी नॉट इज इक्वल्स टू, ये देखें आपके पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट असल में बेसिकली क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस विद द मटेरियल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द फ्री स्पेस. अब सी नॉट को जो डिवाइड होता है वो यहाँ जाके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया. जो इक्वेशन वन मेरे पास कह रही है कि सी नॉट बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को, तो सी नॉट की जगह मैंने उसकी वैल्यूज पुट कर दी, और ये मेरे पास सी एम मटेरियल की जो कैपेसिटेंस है वो इसके इक्वल आ गई. अब मैं क्या करूंगी, मैंने डिफरेंट टाइप्स के मटीरियल लिए हैं, जो मैंने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल लिए हैं उनको मैंने वैल्यूज में पुट किया. यहाँ पर मेरे पास वैक्यूम के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन्फिनिटी है, क्यों, क्योंकि उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, वन है, जस्ट वन, तो उसके डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो इन्फिनिटी हो गई. एयर है 1.002, उसकी जो इन्फिनिटी है, उनकी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 0.8 है. इस तरीके से हाइड्रोजन, टर्पेंटाइन, मीका, पेपर, पोर्सिलेन, अल्कोहल, वाटर, मेटल्स, मेटल्स की इन्फिनिटी है, हम उसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जा रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फिनिटी तक चला गया डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब है कि वहां पर अगर ब्रेक थ्रू आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसकी कैपेसिटेंस को भी हम काउंट नहीं कर सकेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर जो हम कॉमनली जो यूज करते हैं अपने डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स को, वहाँ पर हम मिका या पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. अब देखते हैं कि अगर हम देखें, अब यहाँ पर अब मटेरियल जो है आपके पास मिका है, अगर उसकी जो है स्ट्रेंथ आपके पास 6-7 है, अगर कैपेसिटेंस विल इंक्रीज 6 टाइम्स इफ यू प्लेस द मिका बिटवीन द प्लेट्स, अगर मैं वहाँ पर पैरा प्लेट्स के दरमियान अपना डायलेक्ट्रिक मटीरियल कौन सा रखूँ,
मिकर रखूं जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका किसके इक्वल है, 6 या 6 के इक्वल है. मैं अगर 6 ले रही हूं यानी इक्वेशन नंबर 3 जो मुझे बता रही थी cm upon c not is equals to k, अब मैं इसके की जगह अगर 6 रख दूं तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरे पास उस कैपेसिटेंस की यानी मैंने मिका यूज किया है वहां पर मटेरियल एज अ डायलैक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स जो कि उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर है, 6 है उसका. तो उससे क्या होगा, उस मटेरियल के ऐड करने से मेरे पास उस मटेरियल की कैपेसिटेंस 6 टाइम ऐड हो जाएगी. ओके और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं 1 अपॉन 6 टाइम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स और पोटेंशियल और फोर्स डिक्रीज होगी उस मटीरियल की. और पेपर का जो है आपके पास 2.1 यानी तकरीबन 2 है, अगर मैं उसको उसकी जगह पुट करती हूँ तो मेरे पास उस मटेरियल की जो कैपेसिटेंस होगी वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी. और मिका एंड पेपर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एज अ डायलैक्ट्रिक मटेरियल क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा टाइम्स बढ़ जाती है ऑफ दैट गिवन मटेरियल. नॉर्मली हम जो है वो मेटल्स वाटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा है उसका. C is equals to K epsilon naught A upon D. ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन असल में हमारे पास है किसी भी मटेरियल को अगर हम यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन डायलैक्ट्रिक स्लैब यानी कोई भी डायलैक्ट्रिक हम मटीरियल यूज कर रहे हैं तो उसके उसकी कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए हम इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं. और इस क्वेश्चन को यूज करते हुए हम अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैं ऐड कर रही हूँ फॉर K is equals to 1, K 1 किसका है हमारे पास, वैक्यूम. अगर मैंने उसी क्वेश्चन को लिया कि अगर मैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने k ले लिया इक्वल्स टू 1 यानी इसका मतलब है मेरे पास बिटवीन द प्लेट्स अब कोई भी मीडियम वहां पर मौजूद नहीं है, वो फ्री स्पेस है तो वो बिहेव करेगा लाइक अ वैक्यूम. वैक्यूम का जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मेरे पास k है, ठीक है. लेकिन मेरे पास नॉर्मली डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं. सो इफ आई विल पुट in place of k is 1, so the given equation will become c is equals to epsilon naught a upon d, and this equation looks like the capacitance of a paraplate capacitor. Aur ye paraplate capacitors ki equation ki tarah hai bilkul. Ab hum kuch important cheeze note kar lete hain ki hamare paas is equation mein kuch cheeze thi jo humne padhi. For in electric equation hai equation number 1 jo ki relation hai q is equals to cv, in electricity can't see the charge. हम इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज को नहीं देख सकते क्योंकि हमें चार्जेस नजर ही नहीं आ रहे होते, हमें एक इमेजिनरी चीज है वो, हमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नजर नहीं आ रही होती. बट वी कैन कैलकुलेट इट बाय ऑब्जर्वेशंस, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशंस के. बट हाउ डू वी, बट लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं, हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए दो क्वान्टिटीज की जरूरत होती है और वो क्वान्टिटीज कौन कौन सी हो सकती है. और ये क्वेश्चन ही जो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन ही हमें बता रही है क्या बता रही है कि अगर हमें कैपेसिटेंस और वोल्टेज की वैल्यू अगर पता हो, अगर हम इसको पता कर सके, हमें इसको पता हो दीज टू क्वांटिटीज अगर मेजर कर सके हम, तो हम चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अब आप ये देखिए, अगर हमें चार्ज अगर इलेक्ट्रिसिटी में नजर नहीं आ रहा तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. बट वी कैलकुलेट इट. सो सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सी इक्वेशन नंबर 1 कौन सी, ये वाली इक्वेशन, या फिर आपके पास वो वाली क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन. ये कैपेसिटेंस असल में क्या है, ये पैराप्लेट की पैराप्लेट कैपेसिटर. यही क्वेश्चन को अगर आप ले लें, इस इक्वेशन को भी आप ले सकते हैं और इस इक्वेशन को भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में हमें, अगर हम इस इक्वेशन को ले रहे हैं तो इक्वेशन में हमें वोल्टेज पता होना चाहिए, तो इस इक्वेशन का तो हम यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे इस इक्वेशन का यूज पैराप्लेट कैपेसिटर की, जिससे हम कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं. यहाँ से हम कैपेसिटेंस निकालेंगे और क्या करेंगे, अगर हमारे पास वोल्ट मीटर मौजूद है तो हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर कर लेंगे. जब ये दोनों चीजें हमारे पास क्वांटिटी सी और वी, सी कैपेसिटेंस और वी वोल्टेज दोनों हमें पता चल जाएंगे तो हम चार्ज को फाइंड कर सकते हैं यानी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट मीन्स दैट द चार्ज इज द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड सी एंड वी आर ऑब्जर्वेबल. यानी कहने का मतलब है कि आप जब चार्ज को देख ही नहीं सकते तो बाय ऑब्जर्वेशन आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास कैपेसिटेंस और वोल्टेज मौजूद हो, मेजरेबल. कैपेसिटेंस को आपने कैसे कैलकुलेट किया, पैराप्लेट कैपेसिटर्स के फॉर्मूले से निकाल लिया, और वोल्टेज को आपने वोल्टमीटर से मेजर कर लिया. तो इसका मतलब है ये चीज हमें वाजे हो रही है कि कैपेसिटेंस
किसी भी कैपेसिटर की और वोल्टेज, ये आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेबल है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द ऑब्जर्वेशन बिकॉज दे आर मेजरेबल. और इसी की मदद से आपको ये भी पता चलता है कि चार्ज को आप इन्हीं दो चीजों से कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज चार्ज जो है नॉन ऑब्जर्वेबल है और ना वो मेजरेबल, वो कैलकुलेटेड नहीं है बाय इट्स ऑब्जर्वेशन. लेकिन अगर हमें दो चीजें, यानी खुद हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें दो चीजें पता चल जाए इस इक्वेशन के थ्रू सी एंड वी, तो वी जो है आप मेजर कर सकते हैं, बट वी इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू. नाउ मैं अपना डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स विद डायलेक्ट्रिक वाला टॉपिक मैं यहीं खत्म कर रही हूँ. अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाऊंगी इंशाल्लाह. नेक्स्ट सेशन में हम गॉसेस ऑफ डायलेक्ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.